कासगंज जनपद में आए दिन हो रही चैन स्नैचिंग वाहन चोरी की घटनाओं में संलिप्त अंतर जनपदीय शातिर चोर गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से दो चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा, कारतूस सहित 7,740 रुपए बरामद किए। आपको बता दें कि जनपद कासगंज में बीते कुछ दिनों से बढ़ रही चैन स्नैचिंग और मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे ने पुलिस की टीम गठित कर जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने के निर्देश दिए। इसी के चलते बीती देर रात मुखबिर द्वारा पुलिस टीम को सूचना मिली कि कुछ अभियुक्त चैन स्नैचिंग और चोरी की फिराक में किसरौली पाठक के पास खड़े हुए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने रोली पाठक के समीप जब छापामार कार्रवाई की तो उक्त लोग भाग खड़े हुए, जिसमें से पुलिस ने घेराबंदी करते हुए एक अभियुक्त राजा बाबू पुत्र राम सनेही निवासी हरदोई को दबोच लिया, तो वहीं दो आरोपी भागने में सफल रहे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की दो मोटरसाइकिल, एक तमंचा व खोखा तथा 7,740 रुपए के साथ कई फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की। प्रेस वार्ता में अपर पुलिस अधीक्षक अनिल सिसोदिया ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि भागने वाले साथी कन्नौज और हरदोई के रहने वाले हैं तथा इनके साथ महिलाएं भी हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, तो वहीं गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। लोग यहां आए थे, हम मूलतः तो ये बता रहे थे कि भाई ये चेन खींचने और पॉकेट मारी का काम करते हैं। अपने बीवी बच्चों को भी ये लाए थे, अभी तो उनकी तलाश हम लोग कर रहे हैं कहाँ ये रोके थे। और इनसे जो बताया है आपको, पहले यहाँ दो दो चेन स्नैचिंग हुई, एक आवास विकास में हुई थी और एक मिशन कंपाउंड चौराहे के पास हुई थी मोटरसाइकिल चोरी। बड़ी लंबी पूछताछ के बाद इनसे कुछ घटनाएं वर्कआउट हुई हैं। ये अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री भी छुपा रहे थे, अपना मोबाइल नंबर भी छुपा रहे थे, लेकिन इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हमारे CCTNS के ट्रैकिंग से मिल गई और बाकी इनका नंबर वगैरह ढूंढ के इनके साथी और जो है लोगों का गिरोह है, और ये लोग आके यहाँ पे हरदोई कन्नौज से यहाँ पे घटनाएं करते हैं और हम लोग यहाँ लोकली ढूंढते रह जाते हैं, जल्दी घटना वर्कआउट नहीं होती। बड़ा ये सही अभियुक्त पकड़ा गया, इससे जो घटनाएं मोटरसाइकिल चोरी की और चेन स्नैचिंग की वर्कआउट हुई हैं, और इसमें टीम बना के हम लोग जो इनके और साथी हैं उनको पकड़ने का और प्रयास करेंगे, तो और हमारे यहाँ अपराध नियंत्रण बड़ा सहायता मिलेगा। सर कितने समय से ये काम कर रहे हैं सर, कितने लोगों की जानकारी हुई, कितने लोग उनके घरों में सक्रिय है? ये कई महीने से लोग एक जगह नहीं रहते, बताया कि आते हैं, बताया कि इनके साथियों ने बताया कि सहावर गेट पे रोड जब रेलवे का वो बंद होता है फाटक बड़ा जाम लगता है, तो वहाँ बड़ा आसानी से पर्स और चेन खींचने पर मिल जाता है। ये अपना एक जगह स्थायी नहीं थे, लेकिन अब की बार यहाँ पे कमरा वमरा लेके रहने के फिराक में थे। इनकी बीवी स्वयं थी, थाने आई थी, और इनके बच्चे भी हैं, और बाकी दो साथी तो इनके भाग गए। क्या गिरोह में इनके साथ चोरी या लूट की घटनाओं में पहले भी ये चोरी में ही में गए हैं? फतेहगढ़ जिले से जेल में गए हैं, फरुखाबाद से गए हैं, और इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। महिलाएं भी संगी सहयोग करती हैं इनका जो चोरी? नहीं, इनकी तो स्वयं की बीवी आई थी, बाकी और महिलाएं जरूर होंगी, जैसे हमारे चामुंडा देवी मंदिर पे मेला लगता है, ऐसी जगहों पे लोग चेन वगैरह निगल जाती हैं, हम लोग बड़े सतर्क थे। अब पूरा हम लोग इसके बारे में और गहनता से छानबीन करेंगे। इसके कब्जे से सर क्या क्या सामान बरामद हुआ? दो मोटरसाइकिल बरामद हुई है, चेन स्नैचर में तो सब बेच वोच दिया था, कुछ पैसे बरामद हुए।